अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज हम आपको चुकंदर के फ़ायदे और कुछ नुकसान बताएंगे। चुकंदर का इस्तेमाल बहुत ही आम है और सलाद से लेकर इसका जूस भी काफ़ी पसंद किया जाता है। फाइबर, फोलेट, मैगनीज, पोटाशियम, आयरन और विटामिन सी से भरपूर चुकंदर मुतअद्दिद जिस्मानी अमराज से तहफ्फुज़ फराहम करता है। दोस्तों ग़िज़ाइयत से भरपूर चुकंदर के फ़वाद जानने के बाद आप यकीनन इसे अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड की बदौलत खून की शरियाने कुशादा होती हैं, इससे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है जो कि जिस्मानी तवानाई को ज़्यादा देर तक बरकरार रखने में मददगार होती है। इसलिए चुकंदर का जूस निकाल कर पीना जिस्मानी मशक्क़त के कामों में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की फरामी के साथ साथ चुकंदर दिमाग को भी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है और इसके लिए भी चुकंदर को सलाद या जूस की शक्ल में इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा एक कप चुकंदर में 3.5 ग्राम फाइबर होती है और ये जुज़ कब्ज़ की रोकथाम में आपकी मदद करता है। ना घुलने वाला फाइबर ग़िज़ा को तेज़ी से ग़िज़ाई नाली से गुजरने में मदद देता है और बहुत ही जल्द खारिज भी कर देता है। दोस्तों कब्ज़ का शिकार रहने वालों में बवासीर का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, तो चुकंदर इस मर्ज़ से बचाने में भी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पुरानी कब्ज़ या कम फाइबर वाली ग़िज़ा बवासीर का ख़तरा बढ़ा देती है, इससे बचाव के लिए ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि जिस्म में गर्दिश करने वाले फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाने के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हैं और जानलेवा अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसके साथ साथ हमला ख़वातीन को चुकंदर खाने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि इसमें आयरन की बड़ी तादाद मौजूद होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में मददगार साबित होता है, जो कि अक्सर ख़वातीन के अंदर इनकी कमी होती है। दोस्तों अगर इसकी एहतियात और कुछ नुकसानात की बात करें तो ये कुछ देर से हज़म होती है और इसे खाने से कुछ भारीपन का एहसास भी हो सकता है। इसके अलावा चुकंदर में शक्कर काफ़ी मकदार में मौजूद होता है जो ज़्याबीतस का ख़तरा बढ़ा देती है, इसलिए एतदाल में रहकर खाना ही मुफीद होता है। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से दस्त का ख़तरा भी बढ़ सकता है और 3 साल से कम उम्र बच्चों को चुकंदर का जूस देना नुकसान का बायस बन सकता है। इसको आप सलाद की सूरत में ले सकते हैं और इसका जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर इसे रवायती तौर पर पकाकर ही खाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।